फिरदौस अहमद फराश ने खानशिव निर्वाचन क्षेत्र में घर घर जाकर जोरदार प्रचार किया। व्यक्तिगत रूप से निवासियों से जुड़े, उनकी शिकायतें सुनी और क्षेत्र में परिवर्तनकारी विकास और प्रगति के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा किया। अपने अभियान के दौरान फराश ने नागबहल, खांडीबेरा, शुंगलीपोरा, सुगनू और धंग सहित कई क्षेत्रों का दौरा किया, जहाँ स्थानीय लोगों ने उनको प्यार और स्नेह से स्वागत किया। निवासियों ने उनके कल्याण के प्रति उनके समर्पण को स्वीकारते हुए उन्हें अपना समर्थन देने का आश्वासन दिया। खानशिव निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले विभिन्न राजनीतिक कार्यकर्ता शुक्रवार को खानशिव निर्वाचन क्षेत्र से पीपल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फिरदौस अहमद फराश की उपस्थिति में पीपल्स में शामिल हुए। मीडिया से बात करते हुए फिरदौस ने लोगों और पार्टी से मिली भारी समर्थन के लिए अपना गहरा आभार व्यक्त किया। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फिरदौस अहमद फराश, कैंडिडेट खान साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस। आज मैंने डोर टू डोर कैंपेन चलाई, यहाँ खाग एरिया में डोर टू डोर में गया तो लोगों की हालात देखकर, इलाके की हालात देखकर मुझे यही महसूस हुआ कि 70 सालों से जो भी गवर्नमेंट बनी है, जो भी एमएलए बने हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे इलाके में। अंदाज किया गया इस इलाके में कोई तमीर तरक्की का नाम निशान नहीं है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़कें। ये मेन थोड़ा मेन कोई रूट मैगडम लाइज है, बाकी तो बाकी पूरे इलाके में जितने भी रोड हैं वो मैगडम लाइज के बगैर हैं और खड़े बने हैं। तो न रोडों का कुछ, ना इधर बिजली का, यहाँ कोई तमाम सहूलियात से यहाँ यहाँ है। मेरी ये अपील है खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के नौजवानों से, खुदारा जाग जाए और अपना वो वोट, कीमती वोट उस कैंडिडेट को डाले जो आपका काम करे और जो आपकी खदमत करे, जो इस इलाके की तैमीर तरक्की का सोचेगा, उसको वोट, अपना कीमती वोट उसको दे। के लिए जो ये जो हमारा कंडी बैलेट है, ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी में तकसीम किया गया था। एक खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के कुछ उसमें कुछ इलाके हमारे जोड़े गए थे, और बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ यहाँ शुंगलीपोरा से पोशकर वगैरह तक ये जोड़ा गया था। लेकिन जब डिलिमिटेशन हुई पोशकर, बल्कि पालपोरा से लेकर रिंगा जबल तक। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी करा, राधिका स्वीट्स रेल पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंक रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।